हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से जियो फाइबर के बारे में। काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे कि पिंग को लेके, पिंग टाइम काफ़ी लोगों को मालूम नहीं हुआ क्या होता है, और अगर मालूम है तो ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और क्या है पिंग टाइम इन जियो फाइबर्स कनेक्शन, तो वो आपको इसमें पता लगेगा, क्योंकि पिंग टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशल फैक्टर है आपके इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड को डिटरमिन करने के लिए। तो इसमें आपको बताएंगे जियो फाइबर का कितना पिंग है, और आपका डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि इट इज एक्चुअल फास्ट और नॉट। चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ड्रोन टेक डॉक्टर को, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का टेक वीडियो ऑन पिंग टाइम एंड जियो फाइबर। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जियो फाइबर में पिंग टाइम बेसिकली, सबसे पहले आपको बताते पिंग टाइम होता क्या। पिंग टाइम इज ए रिएक्शन टाइम। बेसिकली रिएक्शन टाइम का मतलब कि जैसे ही आपने लिंक कुछ टाइप किया सर्च इंजन में या किसी चीज़ में इंटरनेट के ऊपर सर्च करने के लिए, तो कितने उसने टाइम लिया वो रिजल्ट्स को डिस्प्ले करने में, ये बेसिकली मिली सेकेंड्स में रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब बताया जाता है। पिंग टाइम इज इन द मिली सेकेंड्स। तो 50 मिली सेकेंड्स से नीचे अगर पिंग टाइम हो आपके इंटरनेट कनेक्शन का, दैट इज़ कंसिडर्ड वेरी गुड। और जियो फाइबर में आपको बताऊँ कि इन द रेंज ऑफ 20 to 29 के बीच में मिली सेकेंड्स में, 22 मिली सेकेंड, कभी 23 मिली सेकेंड, कभी 24 मिली सेकेंड्स पिंग टाइम रहता है। और इसका मतलब ये है कि आपका रिएक्शन टाइम, जैसे मैं टाइप करता हूँ कुछ चीज़ सर्च करने के लिए गूगल में इस कनेक्शन के ऊपर, विद इन 22 to 23 मिली सेकेंड्स मुझे रिजल्ट दिखा देता है। तो जितना कम ये पिंग टाइम होता है, उतना अच्छा, उतना हाई स्पीड, उतना रिलायबल आपका इंटरनेट कनेक्शन होता है। और ये काफ़ी मदद करता है गेमिंग में, जो कि इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग गेमिंग से इंटरेस्टेड हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे पिंग टाइम कितना है एक्चुअल में। वो अपलोड डाउनलोड पे इतना नहीं, पिंग पे बहुत कंसंट्रेट करते हैं, और इसे भी कंसंट्रेट करना चाहिए। अपलोड डाउनलोड अपने आप, अगर आपका पिंग काफ़ी कम है तो ऑलरेडी वो काफ़ी हाई होंगे, तभी पिंग कम होगा। तो मेरे पास जो प्लान है वो 100 Mbps का है, और उसमें मुझे पिंग मिल रहा है अराउंड 22 से लेके 27 की रेंज में। आपको टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, स्पीड टेस्ट पे आप टेस्ट कर सकते हैं। उसमें तीन पैरामीटर्स आते हैं, अपलोड डाउनलोड सब देखते हैं, पिंग को कोई काफ़ी लोग नहीं देखते या कईयों को पता ही नहीं है कि पिंग होता क्या है। तो जियो फाइबर का पिंग का आपको डेमो दिखाता हूँ स्पीड टेस्ट के ऊपर कितना आ रहा है, 22 से 23 की रेंज में या 24-25 की रेंज में रहता है। और इट इज़ अ वेरी गुड पिंग टाइम ऑफर्ड बाय जियो फाइबर। तभी कह रहे हैं कि जियो फाइबर लगवाएं, इट इज़ नॉट वेस्ट ऑफ मनी। काफ़ी लोग नेगेटिव उसके बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है क्योंकि उनको मालूम नहीं है। काफ़ी लोग सेट टॉप बॉक्स बारे में पूछ रहे थे, सेट टॉप बॉक्स आया नहीं आया, वो अभी नहीं आया है, अभी प्लान्स नए वाले एक्टिव नहीं हुए हैं, अभी कोई गिफ्ट नहीं मिला है। काफ़ी लोग टीवी के बारे में पूछ रहे हैं, टीवी फ्री में मिलेगा, तो उसकी अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि टीवी कैसे आपको मिल सकता है, वो क्या प्लान है, कैसे कैसे है। तो अगर आप चाहते हैं मैं उस बारे में बताऊं, एक वीडियो अलग से बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अभी, तभी अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी तो उस पर वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज आप, मुझे मालूम है प्लान में कैसे कैसे आना है, तो फिलहाल मैंने भी एक गिफ्ट के लिए ऑप्शन रखा हुआ है, वो जब आएगा उसकी अनबॉक्सिंग इस चैनल पर हो जाएगी। तो प्लीज़ आप बने रहें इस चैनल के साथ, और आने वाले टाइम में ड्रोन्स की कुछ अपडेट्स आ रही हैं। तो बेसिकली दिस चैनल इज फोकस ऑन ड्रोन्स एंड टेक, ड्रोन टेक। ड्रोन का मतलब है ड्रोन्स के ऊपर फोकस मेनली है, उसके बाद टेक भी आता है, वर्ड टेक। उसमें मैं करता हूँ जो टेक मैं यूज़ करता हूँ, जो टेक्नोलॉजी मैं यूज़ करता हूँ उसको मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। इससे आपका नॉलेज बढ़ता है, मेरा नॉलेज और बढ़ता है, शेयरिंग से नॉलेज हमेशा बढ़ता है। तो दैट इज़ द थिंग आई कीप इन माइंड। तो जो जो भी मुझे नॉलेज है और जो जो गैजेट्स मैं यूज़ करता हूँ, तो ये काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो रह गया है ट्रिमर्स के ऊपर, मैन ग्रूमिंग के ऊपर। तीनों का कंपैरिजन आने वाला है, फिलिप्स अपना जो लेटेस्ट मैंने लिया था ज़ियोमी मी का ट्रिमर, और तीसरा ब्रॉन, इन तीनों को मैंने यूज़ कर चुका हूँ। इस पर कंपैरेटिव वीडियो आने वाला है, एक दो दिन में मैं रिलीज़ कर दूंगा, तो प्लीज़ बने रहिए इसके साथ, क्योंकि वो चीज़ें भी टेक की हम यूज़ करते हैं। तो हो आपको पसंद आया वीडियो, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं पिंग टेस्ट, सॉरी स्पीड टेस्ट। तो ये मैंने कर लिया स्टार्ट एंड गो कर लिया है, और नाउ इट विल मेजर द स्पीड और पिंग टाइम, और आप देख सकते हैं 22 सेकेंड। इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था 22 मिली सेकेंड का इसमें दिखा रहा है, 91.1 का डाउनलोड और ऑलमोस्ट 90 की अपलोड। तो ये होती हैं चीज़ें जो कि मैटर करती हैं इंटरनेट कनेक्शन में,
तो होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो और आपके सवाल रिलेटेड टू पिंग कनेक्शन क्लियर हो गए। सब्सक्राइब एंड डू लाइक दिस वीडियो, जैसे ही आप लाइक करते तो वीडियो की पहुंच बढ़ जाती है। एंड दिस एपिसोड इज प्रेजेंटेड बाय gadgetmadam.com, डू विजिट। थैंक यू।